नमस्कार, मेरा नाम तन्मय सिंह वैस है। मैं आज आप लोगों को अपने कॉलेज के डिग्री कॉलेज की मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ कैसी व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार की यहाँ सभी को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पास देखिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। पार्किंग की व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था है। सर्वप्रथम मैं आपको सरस्वती माता की प्रतिमा दिखाना चाहता हूँ, देखिए, जिसमें विद्यार्थियों के लिए एक बहुत अच्छी सीख लिखी हुई है कि विद्या ददाति विनम विनायती यति पत्रताम प्रतत्रवाद नहि धनापनोति धनात् धर्मा तथा सुखम। इसका अर्थ है कि विद्यार्थी विद्या से विनय प्राप्त कर सकता है और विनय से पात्रता मिलती है और पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म तथा सुख प्राप्त इंसान को होता है। अब आप लोगों को मैं सरस्वती माता के चरणों में वंदना करके मैं आप लोगों को कॉलेज के सभी जगहों का वर्णन कराना चाहता हूँ। अब देखिए, यहाँ पास मैदान है खेलने के लिए, बच्चों के लिए पार्क की सुविधा है और पार्किंग की भी बहुत अच्छी व्यवस्था कराई गई है यहाँ पास। और देखिए, यहाँ पास हमारा कॉलेज परिसर का मेन गेट चालू होता है जो अंदर क्लासरूम की तरफ जाता है और यहाँ पढ़ाई की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सर टीचर लोग बढ़िया पढ़ाते हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छी कराई जाती है। अब मैं आप लोगों को अपने इधर तरफ की ओर जाता हूँ जहाँ अटल बिहारी सभागार बनाया गया है। वहाँ विद्यार्थियों के कला का प्रदर्शन भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और उनमें क्या है, जो उनमें योग्यताएँ होती हैं उनको बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए उनको यहाँ हर तरह तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। और ये हमारे समक्ष गांधी जी की प्रतिमा विराजी हुई है जो हमारे भारत देश के बहुत बड़े हस्ती माने जाते हैं और राष्ट्रपिता का इन्हें दर्जा दिया गया है। ऐसे महात्मा गांधी को मैं प्रणाम करते हुए आपको लाइब्रेरी की तरफ लिए चलता हूँ। लाइब्रेरी ये हमारे कॉलेज का पुस्तकालय है जहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं और विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद मिल सकती है। यहाँ की पुस्तकों को विद्यार्थी पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के पास पुस्तकें उपलब्ध ना हो, यहाँ से वो पुस्तकें भी प्राप्त करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकती हैं और सभी प्रकार से विद्यार्थियों के लिए हर तरह की सुविधा उत्पन्न है। यहाँ पास आगे की ओर चले तो ये लाइब्रेरी यहाँ से शुरू होती है और अंदर टीचर्स लोगों के माध्यम से जो किताबें विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, हर विषय की किताबें यहाँ पास उपलब्ध हैं और जो विद्यार्थियों को प्रेरणादायक पुस्तकें भी यहाँ प्राप्त हो सकती हैं, जैसे उन्होंने विवेकानंद की पुस्तकें हैं, महात्मा गांधी पर लिखी हुई पुस्तकें, हर प्रकार की पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ आगे की ओर, अब चलता हूँ तो कन्या छात्रावास है, जहाँ पास कन्याओं के लिए छात्रावास है। जिन कन्याओं को आने में दिक्कतें होती हैं और वो दूर से आती हैं, आने में असमर्थ हो सकती हैं, वो यहाँ पास रह सकती हैं, उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पास सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और यहाँ पास कन्याओं के लिए रहने के लिए व्यवस्था की गई है। हर तरह की यहाँ पास सुविधा है, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो टीचर्स द्वारा यहाँ पास मदद की जा सकती है और सभी विद्यार्थियों को यहाँ पास सब प्रकार की सुविधाएं हैं और विद्यार्थी लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो सकती है। बस अब मैं इतना ही आप लोगों को दिखाता हूँ डिग्री कॉलेज। अभी यहाँ पास फिलहाल पेपर चल रहे हैं इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते हैं। अंदर जाने के लिए हमें बहुत ही यहाँ पास प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी, प्राचार्य महोदय से हम आगे बात करके आप लोगों को सभी प्रकार का वर्णन देंगे। इसलिए अब नमस्कार, मैं अब आप लोगों से विदा चाहता हूँ, फिर कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब मैं आप लोगों को पार्किंग की ओर पुनः ले चलता हूँ और पार्किंग दिखाते हुए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए विद्यार्थी लोग कैसे यहाँ पास आ रहे हैं। यहाँ पास कुछ विद्यार्थी प्रसन्नतापूर्वक बैठे हैं और पेपर का इंतज़ार कर रहे हैं शायद ये लोग। और मैं एक दो विद्यार्थियों से पूछना चाहूँगा कि यहाँ पास लोग क्या करना चाहते हैं, तो मैं पुनः देखिए जाता हूँ किसी विद्यार्थी के पास जिसको मैं देखता हूँ कि कौन है। यहाँ पास देखिए तुम्हारे कहाँ पार्किंग के पास से जाते हुए मैं जा रहा हूँ और कुछ विद्यार्थियों से मैं पूछते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ पास पूछूँगा, हमारे सामने बैठे हैं रितेश चौधरी, ये देखिए क्या कहना चाहते हैं कि पढ़ाई के बारे में कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बताएंगे। हाँ रितेश, तो आप क्या बोल सकते हैं इसके बारे में? अरे अभी कुछ ना होगा, हाँ तो आगे ब्रजेश साकेत बताएंगे।
कि ये क्या करना चाहते हैं यहाँ के बारे में, और यहाँ उनको कैसी कैसी सुविधाएं मिलती हैं, पढ़ाई कैसी चलती है यहाँ कॉलेज में, क्या क्या हर तरह के सुविधा उत्पन्न है, और इन्हें डिग्री कॉलेज ही क्यों पसंद आया, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। बोल ही नहीं रहा था। हाँ हाँ, अभी अंकित कुशवाहा बताना चाहेंगे हमको कि यहाँ विद्यालय में इन्हें पढ़ाया किस प्रकार से जाता है। जी सर, यहाँ जो एक टीचिंग का सर प्रोसेस है वो क्लासेस जो होती good है job, good job. और दो बजे तक रेगुलर लगती है, जिसमें कि इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, और बराबर इसमें टीचरों का जो होता है ना कि मतलब जो हमारे प्रोफेसर हैं, जो हमारे सर लोग हैं, तो सही समय पर आते हैं, एकदम ठीक टाइम पर आते हैं। और मेरे को इस कॉलेज का एक जो ये ग्राउंड एरिया है जो लोगों के मतलब इंजॉय का, तो ज़्यादा काफ़ी मतलब अच्छा है, और मैं